हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे मनाली में। ये देखिए फ्रेंड्स, स्नोफॉल, स्नोफॉल का मजा लीजिए यहाँ पे। ये किसी के लिए सिर्फ मिस कर सकते हो, असली फीलिंग जो है वो यहाँ मनाली में आकर ही मिलेगा। मैं अभी मनाली में, हमारे साथ इधर सुनील भाई, गुड मॉर्निंग। दो हमारे फ्रेंड हैं, वो गए हैं यहाँ पे होटल वगैरह हमारे लिए देखने के लिए। अभी जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वो रीता का फ्लैट लिया हुआ उन्होंने, तो वहीं पे हम अभी रुके हुए हैं। आपको स्नोफॉल का सीन दिखाता हूँ फ्रेंड्स। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये रही पूरी की पूरी स्नोफॉल का मजा। आपको थार देखने को मिलेगी और यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा का। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। अभी हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं। इस तरह से हमने अपना कैमरा छुपा रखा है यार। और आराम आराम से चलना गाइस, मुझे कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज इतना ज़्यादा स्नोफॉल आप देख सकते हैं, ठंड ना लगे। और थोड़ा हम बच बच के चले, पता नहीं यार ये दोनों कैसे जा रहे हैं साथ में। हमारे तो यहाँ कुल्फी जम गई है भाई, स्नोफॉल ही स्नोफॉल हो रही है ऊपर से। गाइस लिटरली यहाँ पे सच में मजा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा। अब हाय, चल आराम आराम से, कुछ डिस्टर्ब मत करो उसे। छोड़ दे तू। यहाँ पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और ये तो भाई कुछ और ही प्रजाति का यहाँ पे दिख रहा है, किस तरह का बाइक का हालत हो गया है। और सीरियसली यार, हम लोग तो इतने कपड़े भी पहन रखे हैं, डॉगी का देखो यार क्या हाल है। रमन का बैग का हालत यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बहुत मजेदार है एक्चुअल में, और हमें बहुत मजा आ रहा है। ये गीली भी नहीं है, बट ठंड तो जरूर है, बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा होटल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रांत होटल विक्रांत। और इस वाले होटल में हमें स्टे करने की जगह यहाँ पे प्राप्त हुई है। ये है, यहाँ से उस तरफ से जाने का रास्ता है, थोड़ा सा लंबा है ये, बट फिर भी हम चलेंगे, बिकॉज हमने तो सिर्फ स्नो के मजे लेने हैं। इस तरह से हमने अपना कैमरा छुपा रखा है, कैमरा बिकॉज भीग जाएगा यार, तो फिर आगे का मजा खराब हो जाएगा। और हमने यहाँ पे इंजॉय ही करना है सिर्फ। हमारा रूम का भी पता नहीं चला है कहाँ पे हमने रुकना है, बस हमने होटल के फेस देख लिया, उसके बाद हमने पता है। सो गाइस, फाइनली हमें यहाँ पे रूम का पता चल गया, हमने यहाँ पे होटल लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे हम हैं। और फिर हम इधर रूम्स वगैरह यहाँ पे हमें मिली है, और हमारे रूम इधर हैं। चलो सो गाइस, हमारा जो रूम है वो ये है, यहाँ से मेन एंट्रेंस है। एक रूम हमारा ये है जहाँ पे अभी साफ सफाई चल रही है, और ये रहा हमारा लैट्रिन बाथरूम जो भी है यहाँ पे। और इस साइड में एक रूम और मिलेगा जहाँ पे अभी क्लीनिंग हो चुकी है और दोनों लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, एक की भी क्लीनिंग यहाँ से चल रही है। सो व्यूज तो वगैरह यहाँ से बहुत अच्छे हैं। सो भाई, यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी हमने जस्ट टोपी उतारा है यहाँ पे। और यहाँ हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद यहाँ से हम हडिम्बा चलेंगे। अब मेरे को पता नहीं है हडिम्बा कितना दूर रीता में लेके चलेगी, वो हमारा यहाँ पे गाइडलाइन अच्छे से करेगी। हम थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेश वगैरह होके फिर हम यहाँ से हडिम्बा टेम्पल चलते हैं। लेट्स गो ब्रो। सो गाइस, हम लोग अभी इस टाइम फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ पे हम हडिम्बा जाने को तैयार हैं। यहाँ पे हमारी दो परियां, ये देखो, एक ये मैडम है और कहाँ गई, ओए एक इधर है, तो ये दोनों तैयार हो रहे हैं। सुनील भाई हमारे तैयार हो गए हैं, ये रहा ट्राइपॉड, इसको हम कैमरा सेट करते हैं इसमें, उसके बाद मैं आगे का सीन इसका दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मौसम बिल्कुल चकाचक है, बर्फ की अभी भी चादरें पड़ी है और स्नोफॉल धीरे धीरे हो रही है। सो यहाँ से हम 10 से 15 मिनट में निकलेंगे, रीता के पास जाएंगे, रीता को उठा के फिर हडिम्बा टेम्पल को जाएंगे, फिर वहाँ पे ढेर सारी मस्तियाँ करेंगे। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हो, इंस्टाग्राम के पेज पे चले जाओ, वहाँ से आप हमारी तस्वीरें बिल्कुल लाइव देख सकते हो और मनाली की तस्वीरें भी आप लाइव देख सकते हो।